डिसरिस्पेक्ट की, लोग रिया को क्या क्या कहते थे, क्योंकि रिया की गलती थी, समझ रहे हो आप? उसने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा ना, लोग पागल तो नहीं है कि लोग रिया को इतना कुछ कह रहे थे। आप लोगों को ऐसा कुछ समझते हो कि लोग बेवकूफ हैं? लोगों को सब नजर आता है, दूर से लोग सब जानते हैं कि कौन सीता मैया और कौन स्वरूप नखा है। हम रिया को कैसे माफ करते? हमारे सुशांत सिंह राजपूत ऐसा टैलेंटेड पर्सन, चाहे पता नहीं उसको वो फ्री हो गई है, जो भी है, व्हाटएवर भी द रीजन, पता नहीं, पर दिल से माफ करने का मन नहीं करता। क्या आपका करता है? नहीं। हमारे ऐसे सार के जाने का कहीं ना कहीं कुछ रीजन वो भी थी, कुछ तो थी, कुछ तो हुआ था, कुछ तो हुआ होगा। तो हमने एक फीमेल के चक्कर में हमने इतना टैलेंटेड बंदा खो दिया, ऐसे सार जैसा इंसान खो दिया, समझ रहे हो आप? तो फीमेल की भी दो कैटेगरी होती है, जैसे मेल की दो कैटेगरी होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेल की रिस्पेक्ट करते हो, पूछो कौन से मेल की, तो हमको ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि फीमेल की रिस्पेक्ट करते हो। हाँ करते हैं, बट कौन सी फीमेल की, वो सीता मैया है के स्वरूप नखा है? सिंपल बात है, कैसे और नो, मुझे बताओ क्या मैं गलत बोल रहा हूं? और हम लोगों ने एक फीमेल के चक्कर में एसएसआर को खो दिया, तो फीमेल की पूजा नहीं कर सकते हम। और अगर आप उस फीमेल की तुलना अपनी वाली फीमेल से करते हो, तो फिर हम लोग उसकी रिस्पेक्ट क्यों करें? सिंपल। मैं एसएसआर को बहुत दिल से प्यार करता हूं, मैं कभी नहीं बांध सकता, और हमने एसएसआर को खो दिया, वो किसी की वजह से खोया था। कि अगर मरने से पहले मुझे कुछ एक ख्वाहिश मेरी पूरी हो, तो ये हो कि मैं एम एस धोनी के दिमाग में घुस के ये जानना चाहता हूँ कि वो किस तरह से सोचते हैं। तो ये चीज